नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने 16.1 गणगना पढ़ी थी, वैसे आज हमारी 16.2 किस पे है? बेलन पे, सिलेंडर पे है। तो इसमें वही फार्मूले हैं, बस प्रश्न भी बहुत इजी है, बस फार्मूले बेस है, इसलिए फार्मूले याद करना। सिलेंडर एक लंबवर्तीय आकृति का होता है, जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। तो इसमें जो पहला फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। वृत्ताकार तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल या बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। फिर दूसरा फार्मूला आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। फिर इसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR(H+R)। तो हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि जब हम इस फार्मूले को आगे हल करते हैं, तो अगर ब्रैकेट को खोलो तो 2πRH और 2πR², यानी के बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो चीजें होती है, एक तो होता है वक्र पृष्ठ और दो क्या होते हैं? सिरे। कई सवालों में आ जाता है काम में, तो आपको ध्यान में रखना है कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वक्र पृष्ठ और एक दोनों सिरे। इसके अलावा एक आता है इसमें बेलन का आयतन होता है πr² - r² मैं खोखले बेलन का लिख दिया, बेलन का आयतन πr²h। तो ये तो हमारे नॉर्मल सूत्र हैं। एक इसमें हमारे खोखला बेलन और जोड़ दिया है, खोखले बेलन का आयतन, खोखला बेलन तो इसकी दो त्रिज्या होगी, एक अंदर की और एक बाहर की, तो इसका फार्मूला πr²-r²h। एक इसमें खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr₁+r₂ h+r₁-r₂। ये आपके फार्मूले हैं जो हमारे क्या आते हैं? काम में आते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। इसमें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला लिखा अपन ने बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल πr², दूसरा लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, तीसरा लिखा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²h+r, चौथा लिखा बेलन का आयतन πr²h, फिर हमने लिखा खोखले बेलन का आयतन πr₁²-r₂²h, फिर लिखा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr₁+r₂(h+r₁-r₂). यहाँ ये ध्यान में रखना R1 क्या होगी? बड़ी त्रिज्या, और R2 क्या होगी? छोटी त्रिज्या, यानी R1 तो होगी बाह्य त्रिज्या और R2 होगी आंतरिक त्रिज्या। तो ये हमारे 16.2 में फार्मूले क्या आते हैं? काम में आते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित सवाल, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने पहले बताई थी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो सूत्र हमेशा किसका काम लगेगा? आयतन का। तो इसका जो पहला और जो दूसरा सवाल है दोनों एक जैसे हैं। जैसे देख लीजिए, डायरेक्ट हमारे को सूत्र में क्या करना है? पुट करना है। पहला कह रहा है एक बेलन का व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी है। तो व्यास दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या।
त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो, 14/2 तो कितना आ गया 7 सेमी। आगे सारी चीजें अब वो हमारे से पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपन ने क्या सूत्र लिखा 2πr(h+r)। अब इस सूत्र में इसको क्या कर दो, पुट कर दो, 2 × 22/7, r आ गई 7, ऊंचाई 15 और r कितनी है 7। हल कर दें, 2 × 22/7 × 7, 15 और 7 कितने हो गए 22, 7 से 7 गुणा कर दें, 22 को 22 से गुणा करेंगे 484 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 968। क्षेत्रफल है तो क्या लग जाएगा वर्ग सेमी। तो बस डायरेक्ट सूत्र पर आधारित चलते हैं सवाल। दूसरा जैसे इसमें पूछ लिया हमारे से आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7 × 7, ऊंचाई कितनी है 15, 7 से 7, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154, 154 को 15 से गुणा करें 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 75 × 6 = 81, 15 × 15 = 23, तो ये आ गया 2310। आयतन है तो क्या लग जाएगा घन से। तो देखो बहुत इजी है, डायरेक्ट हमारा किसका काम में लेना है, फार्मूले का काम में लेना है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये वही सेम चीज है, वक्र पृष्ठ 2πrh, संपूर्ण पृष्ठ 2πr(h+r) और आयतन पाई आर स्क्वायर, इसमें 3 चीज पूछ रखी है जो आप कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तथा ऊंचाई कितनी है 21। तो देखो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे को सिरे का क्षेत्रफल दे दिया, तो सिरे का क्षेत्रफल अपन ने क्या लिखा था पाई आर स्क्वायर, तो इसकी सहायता से पहले किसका मान निकालेंगे त्रिज्या का, तो 22/7 × r² = 154, r² = 154 × 7/22, ये हमने क्या कर दिया पक्षांतरण, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे, 22 से कट गया 7 बार, 7 × 7 = 49, स्क्वायर टाइम में तो अंडर रूट, तो कितना आ गया 7 सेमी। आगे त्रिज्या 7, ऊंचाई हमारे को कितनी दी हुई थी 21 सेमी, h बराबर कितनी है 21। अब जो जो चीज पूछ रहा है वो क्या कर दो ज्ञात कर दो, तो इसमें क्या पूछ रहा है बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आप निकाल सकते हो, तो बस ये ध्यान में रखना है कि दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, देखो यार दो बेलन है और दोनों का क्या कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, अनुपातों किस में लिखते हैं बटे में, क्या दिया हुआ है 2:3, तो 2/3, तो अनुपात है तो इसके साथ क्या लगा दिया एक्स लगा दिया, क्योंकि अनुपात पूरे पूरे मान नहीं होते, तथा ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि h1 और h2, ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया हुआ है हमारे को 5/4, 5:4, इनके भी क्या लगा दिया x लगा दिया, ये ध्यान में रखना है x लगा भी सकते हो, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है यानी कि वही बटे में, पहले बेलन का और दूसरे बेलन का, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या लिखा
2πRH, R1H1, R2H2, संख्या अलग अलग है, 2 से 2, π से π, देखो R1 कितना है 2x, H1 कितना है 5x, R2 कितना है 3x, H2 कितना है 4x, काट लो, x से x, 2 से कट गया, तो 5/6, यानी कि 5/6, इसी प्रकार इसमें क्या पूछ रहा है, आयतन का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, तो आयतन निकाल दो, पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन, आयतन का फार्मूला πr² h, r1 h1 r2 h2, ऐसे पाई जमा दे, R1 कितनी है 2x, H1 कितनी है 5x, R2 कितनी है 3x, H2 कितनी है 4x, x से x, 2 से करना 2 बार, 2 से 2 बार, तो ऊपर तो क्या बच गया 5, और नीचे कितने बच गए 9, ये 5/5, देखा दोस्तों बहुत इजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये अलग टाइप का, थोड़ा देख लीजिए अलग टाइप का, इसलिए अपने आप क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। सवाल भी कह रहा है कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी। फिर आगे सवाल में कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का, तो संपूर्ण पृष्ठ कितना है 462, संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, तो इसको हमने 1/3 से क्या कर दिया गुणा, तो कितना आ गया 154 वर्ग सेमी। अब अपन ने अभी बात की थी कि संपूर्ण पृष्ठ दो चीजों से मिलकर बना रहता है, एक तो वक्र पृष्ठ और एक दोनों सिरे, तो उसी से कर दीजिए 2πr + h + r = 462। इस ब्रैकेट को मैं खोलूं तो ये तो आ गया 2πrh और 2πr² = 462। देखो 2πrh का कितना मान दिया हुआ है 154, इसका पक्षांतरण कर दें, तो कितने बच गए 308, पक्षांतरण करें तो नीचे की तो ऊपर और ऊपर की नीचे, तो देखो 2 से कट गया 154, 22 से कट गया 7, r = 49 का अंडर रूट, तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 आ गई त्रिज्या। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन का सूत्र क्या होता है πr² h, तो हमारे सामने अभी r ही आई है, h तो आया नहीं है, तो r का मान या तो इसमें जमा दो या इसमें जमा दो, वक्र पृष्ठ इजी होता है तो वक्र पृष्ठ में जमाए, 2πr h बराबर क्या दिया हुआ 154, 2 × 22/7, r का मान 7, ऊंचाई नहीं है, 7 से 7, h = 154, 2 × 22, तो h का मान क्या आ गया 3.5 सेमी, तो त्रिज्या आ गई, ऊंचाई आ गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आयतन निकाल सकते हैं, क्या फार्मूला लगाएंगे πr² h, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी, क्या दे दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया 660, फिर कह रहा है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, इसमें त्रिज्या दी गई थी, इसमें क्या दे दी ऊंचाई दे दी, क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां,
पावड़ नहीं नहीं सातवां क्वेश्चन है एक बेलन का आयतन तीस पाई है फिर कह रहा है तथा आधार का क्षेत्रफल छह पाई है तो देखो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच तो इसमें दो चीजें पाई आर स्क्वायर तो क्या कहलाता है आधार और एच क्या कहलाती है ऊंचाई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई बराबर 30 पाई आधार का क्षेत्रफल हमारे को कितना दिया हुआ है 6 पाई कितना दिया हुआ है 6 पाई ऊंचाई का h बराबर 30 पाई पक्षांतरण कर दें तो h का मान क्या आ गया 5 से बहुत इजी है बस आपको याद कर रखने हैं फार्मूले बार बार कह रहा हूं बेस फार्मूला है अगर आप क्वेश्चन भी नहीं करते फार्मूला भी लिख के आते हो तो भी आप नंबर के हकदार बन जाते हो वो देगा कितने ये उसकी इच्छा देखो आठवां क्वेश्चन एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1650 और 660 दोस्तों देखो दोनों अलग अलग चीजें दी है इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं इजी तरीका है वो क्या है कि आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच वक्रपृष्ठ का क्या होता है 2 पाई आर एच हमने एक में दो का क्या दे दिया भाग दे दिया तो 1650 में किसका भाग दे दिया 660 का भाग दे दिया अब इसी कैलकुलेशन कर लो एच से एच पाई से पाई आर से आर तो ऊपर तो बच गया आर बटे दो 0 से 0 11 से काटा 6 बार 11 से काटा 15 बार 3 से काटा 2 और 3 से काटा 5 तो 2r बराबर 10 तो r बराबर 10 बटा 2 क्या आ गया 5 आ गई त्रिज्या अब इस त्रिज्या को या तो आयतन के सूत्र में जमा दो या वक्रपृष्ठ में जमा दो क्या निकाल लेंगे ऊंचाई निकाल लेंगे और यही हमारे से पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं है नौवां सवाल आप कर सकते हो सेम दूसरे सवाल के जैसे है सब चीज दी गई है और हमारे से क्या पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्या अनुपात पूछ रहा है तो मान निकाल के क्या निकाल देंगे अनुपात निकाल देंगे क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये बोर्ड में आया हुआ है कई बार देख लीजिए सवाल कह रहा है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआ खोदा गया क्या खोदा गया कुआ कुआ कैसा होता है बेलनाकार फिर वो कह रहा है उस कुएं से निकली मिट्टी कुएं से क्या निकल रही है मिट्टी और उस मिट्टी से क्या बना रहा है चबूतरा तो अपन ने नियम क्या पढ़ा एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो सूत्र किसका लगता है आयतन का तो इसमें क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे चबूतरे में मिट्टी का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा कुएं से निकली मिट्टी के आयतन के तो कुआ कैसा है बेलनाकार चबूतरा कैसा है घनाभ अब इसके अंदर वैल्यू को आप पुट कर दो देखो 20 मीटर गहरा गहराई का मतलब ऊंचाई तो कितनी है 20 और व्यास कितना दिया हुआ है 7 तो पाई का मान 22/7 त्रिज्या हो जाएगी 7/2 या 3.5 भी लिख सकते हैं और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 चबूतरे की दी हुई है 22 मीटर इंटू 14 मीटर तो लंबाई तो हो गई 22 चौड़ाई हो गई 14 और ऊंचाई हमारे से पूछ रहा है कि चबूतरा कितना ऊंचा हो जाएगा तो एच बराबर 22/7 7/2 20 ऊपर की कहां गई नीचे 22 से 22 7 से 7
सात दुनी 14, दो से काटा 10, दो से काटा 5, और 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 मीटर। तो बहुत इजी चीज है, बहुत ही इजी, ठीक है। देखो 11वां क्वेश्चन है हमारा, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब का मतलब घन सेमी, तो घन सेमी किसके आगे लगता है, आयतन के आगे, तो क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या कितनी है, 14 सेमी है, तो भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें आयतन दिया हुआ है, तो आयतन के सूत्र से क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, और ऊंचाई को ज्ञात करने के बाद हम क्या ज्ञात कर देंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लीजिए हमें आयतन कितना दिया हुआ है, 30,800, आयतन का सूत्र पाई का में वैल्यू 22/7। सवाल में क्या दी गई थी, ऊंचाई कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 14, तो त्रिज्या की जगह 14 × 14 ऊंचाई पूछ रहा है, तो h बराबर नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, 7 × 14, ठीक है। 22, 11 से काट लो, 2×11 = 22, 11×8 = 80, और ये 2 0, 14 से काटा 2×14 = 28, 200, 2 से काटा 100, इससे काटा 50, तो h बराबर क्या आ गया, 50 से। क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 2πrh, 2×22/7, त्रिज्या कितनी थी 14, और ऊंचाई कितनी आ गई 50, ये कट गया 2 बार, तो 50 × 100, 100 × 200, 200 को 22 से गुणा करेंगे 44, तो बहुत इजी है। तो ये आपको याद रखना है कि पहले हम आयतन से क्या निकालेंगे, ऊंचाई, और फिर किसमें जमा देंगे, वक्र पृष्ठ में जमा देंगे। जो 12वां और 13वां सवाल है डायरेक्ट सूत्र पर आधारित है, किसका है, खोखले बेलन का, अभी अपन ने दो सूत्र लिखे थे, दोनों काम में आएंगे। देखो 12वें सवाल में तो पूछा है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर ज्ञात करना है, और 13वें सवाल में हमारे को खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो जैसे एक खोखले बेलन की मोटाई कितनी है, 2 सेमी, मोटाई कितनी दे दी, 2 सेमी, फिर कह रहा है तथा इसका भीतरी व्यास, भीतरी का मतलब अंदर, और अंदर वाले को क्या नाम दिया था, R2, भीतरी व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेमी, तो व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी, ध्यान में रखना, भीतरी का मतलब अंदर और भारी का मतलब बाहर वाला, ठीक है। अब हमेशा ध्यान में रखना कि भीतरी खोखला बेलन किस प्रकार से दिखाई देता है, तो भीतरी त्रिज्या कितनी है, 7, इसकी मोटाई कितनी है, 2, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 में क्या जुड़ जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे, तो R1 क्या हो जाएगा, 7 + 2 = 9 से, ठीक है। अगर त्रिज्या दे देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जैसे 13वें सवाल में हमारे को दोनों क्या दिए है, व्यास दिए गए, तो दोनों पर आधा करके क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, तो उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊंचाई हमारे को कितनी दी हुई है, 26 सेमी, एच कितना है, 26 सेमी। क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खोखले बेलन का संपूर्ण क्या पड़ा, 2πr1+r2 H+R1 - R2, बस इसमें जमा दीजिए, आंसर आ जाएगा 2×2 = 22/7, R1 हो गई हमारी 9+7, H है 26, 9 - 7,
दो इंटू 22/7, 9 और 7 16। अब देखो 9 में से 7 गई कितने बच गए, 2, और 26 में 2 को जोड़ेंगे तो कितने आ गए 28। 7 चौक 28 कट गया, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, 22 दुना 44 गुणा कर दो, 6 चौक 24, 24 और 2 26, तो कितने आ गए 2904 वर्ग से। और जो इसका लास्ट सवाल है वो आप कर सकते हो, R1। R1 तो हमारी क्या हो जाएगी, देखो भाई ये कितना है 30, तो R1 तो कितना हो जाएगा 15। R2 क्या हो जाएगा, अंदर का व्यास कितना दिया हुआ है 26, तो अंदर का व्यास कितना हो जाएगा 13। ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हमारे को दी हुई है 20। क्या पूछ रहा है, खोखले बेलन का आयतन, तो क्या फॉर्मूला लिखा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर h, तो आप कर सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने सभी फार्मूले किस पे बेस्ड थे, फार्मूले बेस्ड थे। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या बात याद करनी है, फार्मूले याद करनी है। ये हमारी सेंटर की पर्सनालिटी। अब इसमें दो चीजें रह गई हैं, एक तो कोण और एक शंकु, तो इनको हम करेंगे। और याद रखना कि अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो आप रेगुलर वीडियो देखें। धन्यवाद।